एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं जा रही हूँ जौनपुर कुछ काम से। लिल्ली के वजह से मैं घर के पीछे से चोरी चोरी भागे भागे कैसे आई, मेरा सांस सुनने लगा। मैंने गाड़ी आ रही है, एक मिनट। सिंपल सा ये टॉप जैकेट है, अंदर टॉप है, फिर जैकेट है, जींस इस तरीके से। और मैंने ले रखा है ये वाला पर्स, आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं जौनपुर, और क्या क्या लेना है दिखा दूंगी आपको। तो चलिए फटाफट ऑटो पकड़ लेते हैं। I'm in the island on a Wednesday, laid back, cooling, kicking feet up. यहाँ पे मुझे क्रॉसिंग मिल गई थी, और क्रॉसिंग मिलने की वजह से ना चार ट्रेन पास किया, उसके बाद जाके क्रॉसिंग खुली है। और यहाँ पे मैं मेकअप करके पड़ी थी, क्योंकि दीदी के साथ मैं वीडियो फ़ोटो बना रही थी। तो मैं जब तैयार होकर निकलने लगी तो फ़ोटो मैं बिंदी हटा रही थी, और मेकअप तो दीदी ने बोला रहने दो, क्या हुआ। लेकिन देखो, मेरे फैमिली में ये सोच नहीं है, लेकिन कल एक कमेंट आया था कि आपको अंदर दुख है लेकिन आप मेकअप बराबर करती हैं। तो पहली बात बता दूं कि आप शायद मेरा डेली वीडियो नहीं देखती इसलिए ऐसा कमेंट कर रही हैं। दूसरी बात, अगर मैं करती भी रहती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई ना मेरे से ये हक नहीं छीन सकता कि कब तुम्हें बिंदी लगानी, कब तुम्हें मेकअप करना है, कब नहीं करना है। ये मेरी च्वाइस है, और शादी से पहले भी मैं करती थी और अब भी करूँगी। तो चलो इस बातों को इग्नोर करते हुए, और मैं पहुंच गई थी कचहरी के पास। और यहाँ पे फिर मैं जलांस, ये आप जो पूजा पैलेस देख रहे हैं, यहाँ पे मैं लवली से फर्स्ट टाइम मिली थी। मेरा इंगेजमेंट यहीं पे हुआ था। और जब भी मैं जलांस जाती हूँ, मैं उतरती हूँ, तो मुझे वो यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जब मैं लवली को फर्स्ट टाइम इस होटल में देखी थी और हमारा इंगेजमेंट हुआ था, और हम लोग नीचे आके खाना एक साथ खाए थे, डांस किए थे। तो वो जो चीज़ें हैं ना, भूली नहीं जा सकती। और यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं, ये जूते चप्पल हैं। और मैं आई थी यहाँ पे दीदी के काम से, तो आई ही थी, साथ में मुझे ये सब चीज़ें दिख रही थी। ये ना सारे किचन के सामान वामान थे, और प्लास्टिक के सारे सामान थे। यहाँ पे टेडी बियर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो इसका भी बना लिया। और इस तरीके काफ़ी सस्ता सामान मिल जाता है जलांस में, तो आप चाहो तो आप भी शॉपिंग कर सकते हो, कचहरी के पास ही है। तो जी, और यहाँ पे मैं मॉल में आई थी। आने का मेरा ये रीज़न था कि मैं न्यू ईयर पे ना, मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे जलांस में थोक के काफ़ी अच्छे ब्लैंकेट मिल जाते हैं, और मैं सोच रही थी कि ना कुछ तो जैसे कि मेरी अर्निंग होने लगी है, तो मैं एक महीने की अर्निंग को ना ही समझ के, या फिर थोड़ा सा पैसे मिला के, दो महीने की अर्निंग मिला के, ऐसे करके मैं 20-25 ब्लैंकेट लेके कुछ गरीबों को दान देना चाहती थी, ताकि मेरा भी न्यू ईयर बन जाए, मुझे ये करके खुशी मिलेगी, और साथ में उनकी उनका भी न्यू ईयर बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आज तो बारिश हुई है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो मैंने यही सोचा था कि मैं न्यू ईयर पर ना ये करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, मेरी इतनी तो नहीं है, मैं 15-20 में ब्लैंकेट और मास्क बांटूं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, जैसे कि घर से बारिश ही हो रही थी, और 20-25 ब्लैंकेट लाना अगर कोई जेंस रहता तो पॉसिबल हो पाता, फिर भी मैंने सोचा था ऑटो से करके उतरवा लूँगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बारिश भी हो रही थी। और उसी के साथ साथ सारा प्लान कैंसिल हो गया। और यहाँ पे दीदी आई थी, उनके लिए उनको शॉपिंग करनी थी कुछ, तो मैं अपने लिए ना स्टॉल देखने लगी। तो मुझे ये दो स्टॉल, ब्लैक और
इससे पहले जो मैंने स्टॉल देखा था बहुत अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर मेरा फेवरेट है और ब्लैक भी मुझे अच्छा लगता है। और ये स्वेटर मुझे दिख रहा था लेकिन प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा थी, 1500-1000 ऐसे करके, लेकिन अच्छा लग रहा था तो मैं दीदी के लिए भी देख रही थी। मैंने कहा देखो ये ऐसे ऐसे दिखा रही थी, तो यही सब चीज़ें थी। और प्लानिंग मैं यही कर रही थी कि मैं न्यू ईयर पे करूँगी कुछ ऐसा, क्योंकि अच्छा लगता है करने के बाद ना। तो लेकिन बारिश इतना ज़्यादा तेज़ होने लगी थी, जैसे ही जलान से निकले तो दीदी ने बोला कैंसिल कर देते हैं, चलो घर चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ से लेकिन हमारा रिलायंस का एक बार मैं शॉपिंग की थी, मुझे कूपन कोड मिला था, मैं उसे यूज़ करने के लिए गई तो पता चला एक दिन पहले एक्सपायर हो गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गीली सड़कें की देख के कि बारिश हुई है कितनी। और यहाँ पे फिर भी सब्जी वाले खड़े थे और अपनी सब्जियों के और फल के ठेले लगाए हुए थे, क्योंकि देखो यार इन लोग की तो इसी से अर्निंग है और इसी से उनका घर परिवार जो डेली कमाते हैं उसी से खर्चा चलता होगा। तो अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो इनको कितना प्रॉब्लम होगा, इसलिए बारिश हो जाए जो इनको खड़ा होना पड़ता है और अपना सामान बेचना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें गीली हैं और बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, और हम लोग आ गए ना तब तक बारिश हुई और मैं वीडियो का एंडिंग भी नहीं कर पाई। भाइयों बहनों यहाँ पे बारिश हो रही है, दिल्ली की बारिश यहाँ आ गई। अब तो शॉपिंग करने का मूड ही ख़राब हो गया सारा, ऐसा बारिश। जो जाना है तो देना ही पड़ेगा। तो यही था। और रिलायंस जाने के बाद हम लोग तुरंत मैं दीदी से बोली चलो घर चलते हैं, ना कुछ खाया ना पिया। दीदी बोली कुछ खा लो, बारिश में मुझे कहीं रुकना नहीं है। तो यहाँ हम ट्रेन में आ गए थे और आने के बाद जैसे ही मैंने पूछा और थोड़ा स्वेटर वेटर दीदी देखी अपने बच्चों बच्चों के लिए, तो बोल रही थी प्राइस बहुत ज़्यादा है। और 3000 के एक स्वेटर जो नॉर्मली ऐसे नहीं चलता, यहाँ पे आप देख सकते हैं कूपन था मेरे हाथ। तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम रुझो तेरे 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 चाहने वाले हैं। लो ले ले कैप, हाँ ये तो तू फाड़ ना जरूर ले वो तुरंत एक्टिव ना बेटा ना देखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं कल एंडिंग नहीं कर पाई थी वीडियो का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी और घर से ही जैसे बारिश हल्की ना स्टार्ट होने लगी थी तो मुझे पता नहीं चल रहा था। जब हम लोग जलान से निकले तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी और फिर जौनपुर पहुँचे ही थे, फिर मैंने कहा चलो जल्दी घर पे, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बारिश में आपको पता है कि शॉपिंग नहीं करते बनता है। तो मैंने दीदी से कहा चलो घर चलते हैं। इस तरीके से हमने कुछ भी खास कुछ खरीदा नहीं, कपड़े तो कुछ खरीदे ही नहीं या सामान कोई लिया नहीं, और वैसे ही चले आए। और आने के बाद कपड़े ही थोड़े गीले हो गए थे, क्योंकि वहाँ से शिवाला के उतरने के बाद हम लोग आते हैं पैदल ही, तो इस वजह से कपड़े गीले हो गए थे। तो हम लोग रेस्ट में आई घर में कपड़े वपड़े चेंज करके, और मोबाइल भी मैंने नहीं निकाला, भीग जाती। और फिर मैं रेस्ट करने लगी थी, 4:30-5 बज गए थे। रात में भी वीडियो कोई मैंने नहीं एंडिंग वीडियो का नहीं किया, तो मुझे लगा अभी करना चाहिए। और ये मेरे अंदर से ना मतलब मुझे ये था कि चलो भगवान की दुआ से मैं कुछ पैसे जैसे अर्न करने लगी हूँ। तो इस साल जो मैंने नहीं किया, लेकिन आने वाला जो साल है मैं यही दुआ करूँगी कि मेरा अच्छे से जाए। और इसलिए मैं जनवरी की स्टार्टिंग जो है, कुछ लोगों को ये ब्लैंकेट और मास्क दान करके करना चाहती थी, ताकि उनका भी दिन अच्छा जाए न्यू ईयर का और मुझे भी देखे अच्छा फील हो। तो लेकिन शायद पता नहीं क्या होता है कि जब मैं कोई प्लानिंग करती हूँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, और देखते हैं क्या होता है, हो पाता है कि नहीं हो पाता है। आज 29 तारीख है, 30-31 और सैटरडे संडे पड़ जाएगा, फिर देखते हैं जैसा होगा आपके सामने रहेगा। चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। और अगर आप पॉसिबल हो सके ना तो आप भी आप अपने पास
आसपास जो गरीब हो ना, उनको ना कुछ तो कम से कम ब्लैंकेट और मास्क दे सकते हैं, जैसे कि पता है इतना कोशिश कर सकते हैं कि न्यू ईयर किसी का खास बना सकते हैं, और जो गरीब हो थोड़ा सा ना। तो मैं ये नहीं कहती कि 20-25, आप कम से कम 5 ही दान कर दो, वो भी आपको खुशी देगी और साथ में उनका भी दिन बन जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।